पोता पोती पोता पोती के तो काटला ही है भैया, आप बेटो के काटला ही है, कोई तो सहारा दे वाला ना। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ अभी कहाँ पर है? किराया पर आते हैं भैया। भाई की मौत हो गई और वो कह रहा है पीएमसीएच ने हमको मार दिया, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, कोई डॉक्टर नहीं आए। अभी एक एसटीएफ के सिपाही थे, उनके एक ही बेटा था, वो कल डेथ कर गया। सरकार दबा रही है डेंगू के पेशेंट को, जितने मर रहे हैं उसको दबा रही है। और आप एनआरटी पैदा हुआ हुआ है पीएमसीएच में, पारस में एक ही मशीन है, मात्र जाँच 1100 रुपया ले रहा है, सरकार के पास कोई मशीन नहीं है। क्या दिखाना चाह रही है ये सरकार? भुखमरी से तो आपने बचा लिया, डेंगू से लगातार तो मर रहे हैं लोग। सर आज मुहिम है आप मेरा डेंगू को लेकर के, घर भी छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ देंगे, अब पूरा डॉक्टर को घर में सेटअप दें पूरा। मतलब क्या करेंगे, जैसे आपने कुछ दिन पहले भी हमसे बातचीत में कहा था कि कचरा यदि नहीं उठाया हुआ तो भैया अभी तक कचरा का उठाव कहाँ? पप्पू यादव ने कचरा के लिए बोला तो राजेंद्र नगर छोड़ा, कचरा को हटाया और दूर दूर में कचरा छोड़े हुआ, तो आज अभी शुरू करेंगे ना। डेंगू के लिए चार चार कैंप पप्पू यादव का चल रहा है ना, कभी रुका कैंप क्या? जो दवाई सरकार के पास नहीं है, जो दवाई सरकार के पास नहीं है, केंद्रीय टीम ने तो कह दिया पप्पू यादव की जो टीम है वो सरकार से ज्यादा काम कर रही है। हम तो एक सेकेंड किसी कोई सवाल पर पीछे हटने वाले नहीं है, लेकिन ये जो डेंगू से लोग मर रहे हैं ना, उसको सरकार 10-10 लाख रुपया मुआवजा दे, नहीं तो ये मामला भी डेंगू से, ये 302 का मामला बनेगा सरकार पर, ये छोड़ेंगे नहीं। ये जो इतने दिनों के बाद नींद टूटता है इन 76 हथिया चौबे बाबा को, अगले बार मुजफ्फरपुर में सो रहे थे और लंबा लंबा गप दे रहे थे, इस बार इतने दिनों के बाद नींद टूटा पीएमसीएच देखने का, तो ऐसे लोगों की जरूरत बिहार में अब नहीं है। ऐसे लोग अब दिल्ली में ही रहें, या नहीं तो चल जाए अयोध्या में लाल बस्तर पहन करके, राजनीति छोड़े चोला अजा करके घड़ी घंट बजाए।